पहुंचने वाले हैं। चालाडूंगी चौराहे पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों मार्केट आते ही पहला काम नहीं हुआ, आप जाते दूसरे काम पे, होता नहीं होता देखते हैं। तो दोस्तों मैं आई थी यहाँ पे टॉवल लेने, ले लिया है मैंने। हेलो दोस्तों, प्रणाम, स्वागत है आपका मेरे चैनल रजत हड्डी ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम सब भी अच्छे हैं और नाश्ता वगैरह सब हो गया है। बज गया है सुबह का 10:15, बच्चे गए हैं स्कूल और ना ये ड्यूटी गए हैं, तो इन लोगों के लिए मैंने लंच वंच रख दिया था, मतलब बच्चों के लिए लंच रख दिया था, इनके लिए भी रख दिया था नाश्ता वगैरह। और अभी मेरा भी नाश्ता हो चुका है, तो अभी ना मतलब सारा काम हो गया है, बर्तन धोने, बर्तन धोती हूँ और साथ ही साथ में दही भी जमा देती हूँ, तो बने रहिए आप लोग। तो दोस्तों ये है भट, तो ये मैंने डाल दिया मिक्सी के जार में, ये कल रात से भिगोए नहीं हुए, इनको ना पीस लेती हूँ, आज दिन में भटके डुबके बनाऊंगी। तो दोस्तों मैं ना नाश्ते वगैरह के सारे बर्तन धो चुकी हूँ और मतलब बर्तन धो दिए हैं और दही भी जमा दिया है और ना मैंने किचन वगैरह भी साफ कर दी है। बाकी उसके साथ ही साथ ना मैं भट भी पीस के आ गई, क्योंकि कल रात से ना मैंने भट भिगोए हुए थे, क्योंकि आज मैं ना भटके डुबके बनाने वाली हूँ, बहुत पसंद है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद है मुझे, दाल से ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं रात से ही भट भिगोई हुई थी। और अभी ना पीस भी दिए हैं, बज रहा है 10, तो 10:15 ऐसी हो रहा है, तो भट भी पीस लिए हैं, दिन में आराम से भट के डुबके बनाऊंगी। और चलिए मिलती हूँ आपको बाद में। तो दोस्तों हो गया दिन का 12:15 और ना मैं भट के डुबके बनाने की तैयारी करने लग गई हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज पका दिया, लहसुन ना बाद में तड़का मारूंगी ऊपर से, जब पक जाएगा भट के डुबके, पक जाएंगे भट के डुबके, ऊपर से तड़का मारूंगी। और अभी ना अब डाल देती हूँ इसमें पीसे हुए भट, तो डाल दिए हैं मैंने इसमें पीसे हुए भट। अब मैं इसमें पानी डालती हूँ, नमक मिर्च मसाले डालती हूँ, पानी डालती हूँ। तो चढ़ा दिए हैं मैंने भट के डुबके, मैंने ना उसमें प्याज का तड़का मार दिया पहले, थोड़ी देर में जब जैसे भट के डुबके अच्छी तरह पक जाएंगे ना, उसके बाद मैं उसमें ऊपर से लहसुन का तड़का मार दूंगी, क्योंकि टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। और चावल थोड़ी देर में बनाऊंगी, अभी तो 12 बज रहा है, तो खाना बनाने की तैयारी कर ही दी है। और एक साड़ी है, ये कल धोई थी मैंने, घर में पहनने वाली है, तो घर में पहनने वाली है, धोई थी, इसको तय करके रख दी। दोस्तों यहाँ पे देखो बहनों का प्यार, बाल बना रहे हैं बड़ी बहन छोटी बहन के, अब छोटी बहन बनाएगी बड़ी बहन के, हैं क्या तो मैसेज आओगे आज स्कूल, ये बोल रहे हैं आज मैं ऐसे जाऊंगी स्कूल बच्चों को लेने। आ मौन ले रखा है, कह रही मीनू, मीनू बोलो तो बोलोगे, बोलोगे मौन का नहीं बोलने का। फिर चिल्लाएंगे ना जब बच्चे आएंगे, ये बोल रहे हैं कि जब बच्चे आएंगे ना तब चिल्लाएंगे। दोस्तों हो गया है 1:15 और मैं ना अब तड़का मारती हूँ लहसुन का, और साथ ही साथ ना मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं, तो यहाँ पर मैं ना तड़का मारने लग गई हूँ। जीरा डाल दिया मैंने, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया लहसुन इसमें। तो दोस्तों ये बन चुके हैं मटके डुब के, तड़का मार दिया, अभी भी मैंने कम गैस में इसे रखा ही हुआ है, तड़का मैंने ऊपर से मारा लास्ट में। तो दोस्तों यहाँ पे यूवी ग्लो लगा दिया मैंने भटके डुबके और भात, यहाँ पे ना हम लोग मैंने लगा दिया है खाना, ये अभी नहीं आए हैं, अभी आएंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे है भटके डुबके, आज बनाया है पहाड़ी खाना, भटके डुबके चावल और सलाद है साथ में, तो अब हम लोग खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को। 2 बज गया है। तो दोस्तों शाम का बज गया है 4:45 और ना उठ के सोए थे यूवी और मैं, आयुष तो बाद में सोया, पता नहीं 4:45 सोया कितने बजे, तो उठ के मुँह धो रखा है, मुँह धोने के बाद मैंने बना दी यहाँ पे चाय, तो चाय पी रहे मैं और पंजी, ये भी ड्यूटी से आ गए हैं, तो हम लोग पी लेते हैं चाय, वो भी कट की वाली, मतलब मिस्त्री वाली चाय पीते हैं। तो दोस्तों शाम का बज गया है 5:45 और मैं और आयुष ना थोड़ा सा शॉपिंग करने जा रहे हैं मार्केट तक, और मेरी एक साड़ी का ब्लाउज भी था ना, तो 1 महीना हो गया मैं ला नहीं पाई, किसी मतलब ऐसे नहीं ला पाई, और मार्केट जाना कम ही हो पाता है, तो अभी जाते हैं आयुष और मैं जा रहे हैं, तो थोड़ा शॉपिंग करेंगे और बने रहिए आप लोग भी दिखेंगे। तो आयुष गया यहाँ पे रिक्शा बुलाने, आयुष आ गया रिक्शे को, रिक्शे वाले भैया को बुला के, ये तो वहीं से बैठ के आ गया।
यहाँ पे ना ब्लाउज लेने आ गई हूँ। एक महीने से था मेरा ब्लाउज यहाँ, तो आ गई हूँ ब्लाउज लेने। ब्लाउज कलर याद भी तो नहीं मुझे, तो एक महीना हो गया दिए हुए। हाँ पर्चा दिखाती हूँ। भगवान ये तो ऐसे बांध रखा है आपने, बताओ ये बनेगा कब? ये बनेगा ही नहीं जब तक आप नहीं आते। क्यों? इसको नंबर डालना ही बोलिए। मैं तो आपने फोन क्यों नहीं करा? ये फोन क्यों नहीं करा? देखो दोस्तों, भैया को एक महीने से ब्लाउज दिया और इन्होंने मेरा ब्लाउज नहीं बनाया। अगर मेरे को शादी में जाना होता तो कैसे एक दिन में बनाते बताओ? एक दिन हो गया, एक महीने से नहीं बनाया आपने। और एक दिन नंबर नहीं, ठीक है आज मैं नंबर, कैसा नंबर? ये ऑर्डर नंबर। अच्छा ठीक है, आज नंबर डाल दो, कल बना देना, मैं कर देता हूँ। यहाँ पे भैया ने बना रखे ब्लाउज। पक्का कल सिल दोगे? तो दोस्तों भैया ने अभी ब्लाउज नहीं सिला क्योंकि इसमें नंबर लिखना भूल गए थे वो, मतलब इसका नंबर पर्चे का अपने इसमें, तो आज बोल रहे थे कल परसों ना सिल दूंगा करके। तो चलते हैं और काम करते हैं। तो दोस्तों मार्केट आते ही पहला काम नहीं हुआ, आप जाते दूसरे काम पे, होता नहीं होता देखते हैं। तो यहाँ पर आ गए हम स्वर्णलाल की दुकान में। तो दोस्तों मैं आई थी यहाँ पे टॉवल लेने, ले लिया है मैंने। कितने की है भैया लस्सी? 45 की। और दो दो कर दीजिए। एक कूलर 45 का है। तो दोस्तों आई हूँ उसने पी लिए लस्सी, मैं हूँ यहाँ पर, इतनी लस्सी बची है, पी लेती हूँ फिर एक साथ शॉपिंग और करते हैं, फिर चलते हैं घर पर। तो दोस्तों यहाँ पर आयुष ना जिद कर रहा है मोमोज खिलाने के लिए। तो ये जिद कर रहा है यहाँ पर मोमोज खाने की। हाँ दो दो। दोस्तों हो गया हमारा, सारी शॉपिंग वगैरह हो गई है, अब चल रहे हैं घर को। पता नहीं हम लोग कैमरे भी दिख रहे हैं। लाई हूँ अपने लिए सैंडल, तो ये लाई हूँ एक सैंडल, दूसरी भी दिखा दी। तो एक सैंडल ये लाई हूँ, दो जोड़े मतलब दिखा। तो दोस्तों ये दो जोड़ी सैंडल लाई हूँ मैं, और ये वाली सैंडल है, मैं बताती हूँ आपको। तो ये वाली सैंडल है 500 की, और लेस करके भैया ने 400 में दे रखी है मुझे। और ये वाली बोल रहे थे वो 250 की, ये वाली उन्होंने दी है मुझे 200 में। तो टोटल शॉपिंग मैंने करी है आज, मतलब सैंडल सैंडल की है 600 की, 600 की है दो जोड़ी सैंडल। तो बताना ये वाली अच्छी है, ज़्यादा ये वाली ज़्यादा पसंद आई, ये डेली वेयर के लिए ले ली मैंने, ये कभी इधर उधर गई तब। और वो दिखा दी मैंने अपनी शॉपिंग, इतनी कर रखी फिलहाल। जो मेरा ब्लाउज एक महीने से था ना, वो मैं लेने तो नहीं गई थी, फिर मैंने सोचा आज ले आती हूँ। तो आज लेने गई तो भैया ने सिला भी नहीं था क्योंकि वो पर्चा नंबर लिखना कुछ ऐसे भूल गए थे, तो बोले थे कल तक सिल दूंगा, कल या परसों संडे तक मैं फिर जाऊंगी मार्केट। बाकी टॉवल और दो जोड़ी सैंडल लाई हूँ, बाकी थोड़ा सा ऐसे कुछ खा पी के आए। बाकी मिलते हैं आपको, खाना बनाती हूँ, आटा मैंने गूंथ लिया, अब सब्जी काटती हूँ भिंडी की, एक सेकंड। तो दोस्तों कल जो भिंडी लाए थे ना हम, ये धो के मैंने पहले ही रख दी थी, ये सूख चुकी है, 7:30 हो गया। मैं ना पहले भिंडी कट कर लेती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, 7:30 हो गया, भिंडी धो नहीं भिंडी काट देती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, आटा गूंध दिया है, बनाती हूँ खाना। तो दोस्तों सारा काम हो चुका है, मतलब खाना वगैरह भी हमने खा लिया, और ना बर्तन वगैरह भी धो लिया, किचन साफ कर लिया है। तो अब करते हैं सोने की तैयारी, और हो गया रात का 9:30, तो सोने की तैयारी करते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा।
खांसी बहुत परेशान कर रही है, मतलब बीच बीच में कभी कभी हो जा रही है। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू एंड बाय।